સંઘપ્રદેશ દાદરાનગર હવેલીમાં વધી રહેલા કોરોના સંક્રમણને અટકાવવા માટે વહીવટીતંત્ર દ્વારા શાકભાજી માર્કેટોમાં થતી ભીડને અટકાવવા માટે માર્કેટને ત્રણ જુદા જુદા એરિયાઓમાં વહેંચવામાં આવી રહ્યા છે। સમગ્ર દેશમાં કોરોનાએ હાહાકાર મચાવ્યો છે, જેમાં દાદરાનગર હવેલી પણ બાકાત નથી રહી અને આ પ્રદેશમાં પણ કોરોનાના કેસો વધી રહ્યા છે, ત્યારે સેલવાસ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા શાકભાજી માર્કેટમાં થતી ભીડના કારણે કોરોના સંક્રમણ ફેલાવાની શક્યતા જોતા શાકભાજી માર્કેટમાં વેપારીઓ સાથે બેઠક યોજી જુદા જુદા એરિયાઓમાં શાકભાજી માર્કેટને વેચવામાં આવી રહી છે। ये सिलवासा नगर पालिका की तरफ से बहुत ही बढ़िया व्यवस्था किया गया है, सब्जी मार्केट को अलग अलग जगहों पे स्थित करके, और ताकि लोगों में एक इसके कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई गवर्नमेंट लड़ रही है, लोगों का सहयोग होना चाहिए। और ये भीड़ जो काफ़ी होता था एक मार्केट में, इसकी वजह से थोड़ा गवर्नमेंट को भी हैंडल करने में तकलीफ होती थी। अलग अलग होने से थोड़ा भीड़ भी कम होगा और लोगों में थोड़ा और भी जागरूकता होगी और आम लोगों का भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा इस कोरोना की लड़ाई में। बहुत ही बढ़िया और अच्छी बात है। और जो वहाँ से तीन डिवाइड चार डिवाइड किए हैं मार्केट को थोड़ा थोड़ा करके दिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, लेकिन नगर पालिका का यही रिक्वेस्ट है कि भाई जो जहाँ है वो सुखी रहे और अच्छे ढंग से धंधा करे। और कोरोना की वजह से नगर पालिका ने डिवाइड किया है मार्केट और पानी वानी का सुविधा दे देंगे, सब अपने सुरक्षित रहेगा। पहला दिन है यार, बहुत पिछले मंगल से काम हो, सब अच्छे से वो बीते भाई। धंधा है, आज होगा कल नहीं होगा, जब अपने अपने नसीब की बात है।